यहाँ पर देख पा रहे हो कि अब काफ़ी प्रकार का कचड़ा भी इसमें है और फिर भी इसमें हार्वेस्टर चला रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो अनाज है वो मैला हो सकता है। ये देखिए जहाँ पर नीचे ऊँची जगह है वहाँ पर सोयाबीन का नुकसान, ये देखिए सोयाबीन काट के गया हार्वेस्टर, और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फलियाँ लगी हुई है, जगह है यहाँ पर काफ़ी नीची ऊँची इस प्रकार से। इतने किसान भाइयों देखिए यहाँ पर सोयाबीन की कटाई चालू हो चुकी है, जगह है नीची ऊँची, और यहाँ पर आ गया है वतर, ये देखिए सोयाबीन तो लगा है अच्छा 15-69 सोयाबीन है और वो चल रहा है वहाँ पर हार्वेस्टर। किसान भाइयों एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी की वजह से ख़राब हो चुका है, वहाँ से लेकर यहाँ ढोलिया नरैया तक का सोयाबीन एकदम ख़राब हो चुका है। ये देखिए एक एक दो दो फलियाँ लगी है, वो भी लगभग सड़ चुकी है, और यहाँ पर काटने की अब कोई संभावना इसमें बच नहीं है, मिट्टी में नीचे काफ़ी ज़्यादा गड़ भी रहे हैं इसलिए ये कट भी नहीं सकता। तो ऐसा हमारा लगभग काफ़ी सारे किसान भाइयों को जो नरैया का पास वाला खेत हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, इसका मुआवजा सरकार को ज़रूर देना चाहिए। किसान भाइयों देखिए हमारे यहाँ पर सोयाबीन की थ्रेसिंग चल रही है, काफ़ी ज़्यादा समस्या है। Sure।